दोस्तों फूडी शूडी की टीम आपको लेकर आ चुकी है एक स्पेशल झालमुड़े वाले भैया के पास, और ये सामने जो खड़े हैं ये भैया जी हैं। तो भैया जी से कुछ बातें पूछ लेते हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? अरुण जी। तो अंकल जी ये आप झालमुड़ी बेच रहे हैं, कब से बेच रहे हैं? 15 साल हो रहा है। 15 साल हो गए आपको, 15 साल से झालमुड़ी बेच रहे हो? हाँ। कितने कितने रुपए की झालमुड़ी बेच रहे? पहला तो 2 रुपए, 3 रुपए, आप 10 रुपए हो रहा है। आप 10 रुपए हो। खोल के दिखाइए। काला नहीं मंगाया, काला नमक है और इसके अंदर मसाला है, चाट मसाला, इसमें चाट मसाला है, ठीक है। अब मूंगफली है। अरे वाह। तो दोस्तों इसमें मूंगफली भी है। अब अगले डब्बे में क्या अंकल जी? एक काला चना है। काला चना है इसके अंदर? कच्चा। कच्चा, ठीक है। और ये अगले डब्बे में? अरे नमकीन चना। ये नमकीन है दोस्तों। ये कौन सी वाली नमकीन अंकल? दाल सेब है। अच्छा, दाल सेब है। और ये अगले डब्बे में? मटर है। मटर है ये उबली हुई? अच्छा। और ये अगले डब्बे में? प्याज है। अरे वाह। तो दोस्तों हर एक डब्बे में कुछ ना कुछ अलग रखा हुआ है। हरी मिर्ची है, इसमें हरी मिर्ची है, आम का अचार है, तेल है। अच्छा, ये तेल है आम के अचार? हाँ। ठीक है, तो बंद कर दीजिए। लाल मिर्ची है। ओके। तो काफी सारी चीजें हैं डब्बों के अंदर, आप देख सकते हो। और इसके अंदर ये मुरमुरी है। अच्छा, ये मुरमुरा है? मुरमुरे डाल के लगा। अरे वाह। बंगाल की होती है? कहाँ से होती है झालमुड़ी? बंगाल की होती है। बंगाल की होती है? तो बना के दिखाओ अंकल, कैसे बनाते हो आप? बनाया, मुरी डाल दिया, ठीक है, ऐसे डाल दिया। ये डल गए अंकल के स्पेशल वाले बॉइल चने। हेलो। अरे वाह। तो अब ये क्या है? प्याज। अच्छा, तो इसमें डल गया प्याज। तो अंकल ये बंगाल की झालमुड़ी होती है? अच्छा जी, ये नमक डल गया। और ये अंकल का स्पेशल मसाला है, ये अचार है, देख सकते हो अचार का तेल है थोड़ा सा, इसी की वजह से टेस्ट आता है अंकल झालमुड़ी के अंदर। कितने साल से बेच रहे हो अंकल, बता दो? 15 साल। 15 साल से झालमुड़ी बेच रहे हो? हाँ। बढ़िया। तो देख सकते हो अंकल जी को 15 साल का एक्सपीरियंस है झालमुड़ी का। मेरे काम ही है दोस्तों, लिफाफे में डलेगा। अरे वाह। कितने रुपए का अंकल ये? 10 रुपया। 10 रुपए पकड़ के ले। तो ये देख सकते हो यहाँ पे ये रेडी हो गया। तो चलिए इसे टेस्ट करके दिखाते हैं आपको कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ आपको कैसा लग रहा खाने में। दोस्तों काफ़ी लाजवाब है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, चने से लेकर और इतनी सारी चीज़ें। दोस्तों झालमुड़ी में कोई डालता नहीं है, लेकिन ये बंगाल की झालमुड़ी है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डाली हुई है अंकल ने। तो दोस्तों मज़ा आ जाएगा, 10 रुपये की झालमुड़ी में आपको इतनी सारी चीज़ें मिल जा रही हैं, क्या चाहिए।